हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद दीदीमन में। नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती 2023 का विज्ञापन जारी हो चुका है, जहां पर TGT ऑल सब्जेक्ट के वैकेंसी आई है। योग्यता, आयु, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सारी बातें हम डिटेल में करेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें। ऑल स्टेट जो है यहाँ पर अलाउ हैं, सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नवोदय विद्यालय समिति का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहाँ पर सब्जेक्ट हैं टीचिंग पोस्ट इन दिस फॉर्म। TGT इंग्लिश की वैकेंसी है, TGT मैथमेटिक्स की है, TGT साइंस की है, TGT सोशल साइंस की वैकेंसी है, उसके बाद जो है TGT मराठी, गुजराती, TGT फिजिकल एजुकेशन की, म्यूजिक की, आर्ट की और लाइब्रेरियन की भी यहाँ पर वैकेंसी आउट हुई है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो नवोदय विद्यालय आपको पता है रेजिडेंशियल स्कूल है, आवासीय विद्यालय है। यहाँ का एक्सपीरियंस जो है वह भी बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पर काम करना। यहाँ जो है क्वालिफिकेशन TGT इंग्लिश की बात करें, मराठी, गुजराती, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जितने भी जो है सब्जेक्ट हैं इनकी जो क्वालिफिकेशन है वह समान यहाँ रखी गई है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT 50% मार्क्स के साथ में। CTET जो है वह आप लोगों का यहाँ पर पास होना चाहिए और साथ में BEd जो है वह कंपल्सरी है। पढ़ाने का जो यहाँ पर मीडियम रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों है। यहाँ पर जो लिखा गया है कि BEd डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट। BEd डिग्री ऐसे विद्यार्थियों के लिए जरूरी नहीं है, वो हैव अंडरगोन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT। तो जिन्होंने इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स 4 साल का किया है, जैसे BSc BEd हो गया है ना, BCom BEd हो गया या BA BEd हो गया, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए अलग से BEd डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए अब एक एक करके जो है यहाँ पर देख लेते हैं। TGT इंग्लिश में जो है यहाँ पर 3 साल का जो है डिग्री कोर्स मांगा गया है, इंग्लिश आपने 3 साल पढ़ी हो। TGT मैथ में भी बैचलर डिग्री इन मैथ और साथ में जो है फिजिक्स होनी चाहिए। उसके बाद लिखा है एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक, इनमें से एक जो है वह होना चाहिए TGT मैथ के लिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद जो है TGT साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री है, जिसमें आपने पढ़ा हो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 ईयर ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में 3ों साल जो है वह आपने इन सब्जेक्ट को पढ़ा हो तो आप साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखो TGT सोशल साइंस। देखिए BEd और CTET जो है, CTET पेपर 2 जो है वह कंपलसरी है इन सभी सब्जेक्ट के लिए। आप सभी जानते हो TGT के लिए ये रिक्वायरमेंट रहती है। सोशल साइंस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर आप देखो, 2 सब्जेक्ट जो है आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल, आपने जो है स्नातक में 2 सब्जेक्ट जो है पढ़े होने चाहिए, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है वो जरूरी रहेगा। हिस्ट्री के साथ जो है वो ज्योग्राफी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, ज्योग्राफी के साथ या फिर ज्योग्राफी के साथ में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस हो सकता है। यहाँ पर लिखा है हिस्ट्री और ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडी फॉर ऑल 3 ईयर इन द ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी 3ों साल पढ़े हों। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि इन केस ऑफ ऑनर डिग्री, जो ऑनर्स से करते हैं डिग्री हिस्ट्री में जैसे की है उन्होंने, किसी भी स्टूडेंट ने, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल साइंस इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। तो पहले साल और दूसरी साल में जो उन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी पढ़ी होनी चाहिए, जिस भी बच्चे ने हिस्ट्री ऑनर्स डिग्री किया है। ठीक है, तो ये कंडीशन है सोशल साइंस के स्टूडेंट के लिए। उसके बाद जो है TGT आर्ट की जो है यहाँ पर वैकेंसी है, तो डिग्री इन फाइन आर्ट क्राफ्ट, यहाँ पर आपने डिग्री जो है कर रखी हो फाइन आर्ट या क्राफ्ट में, साथ में BEd डिग्री मांगी गई है फाइन आर्ट में। पढ़ाने की जो प्रोफिशिएंसी है वह है आपकी इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगी। उसके बाद है फिजिकल एजुकेशन की, यहाँ पर मेल या फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए BPed में, यानी फिजिकल एजुकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर एक मेन बात जो है वो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। TGT म्यूजिक जो है इसमें बैचलर डिग्री इन म्यूजिक, म्यूजिक में जो है बैचलर डिग्री चाहिए, 3ों साल आपने पढ़ी हो।
नेक्स्ट जो अगर हम लाइब्रेरियन की बात करें तो यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी डिग्री जो है वो आपकी मांगी गई है लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है साफ साफ कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल। बहुत सारे वीडियो जो है वो मैं बना चुकी हूँ और जहाँ पर मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि यदि आप इन स्कूलों में, जैसे कि EMRS स्कूल हो गया, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हो गया, या फिर कोई भी आवासीय विद्यालय जो रहते हैं, जिनके वीडियो बहुत सारे मैंने बनाए हैं, उनका एक्सपीरियंस अगर आपको है तो यहाँ पर आप जो है सबसे ज्यादा जो है वो आगे रहेंगे और स्टूडेंट से, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर मांगा जाता है और बिल्कुल स्पेशल यहाँ पर लिख दिया गया है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है, सभी में लिखा गया है। तो इसके अलावा जो है अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो एक प्लस पॉइंट रहता है। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 50 ईयर जो है वह है अपर एज लिमिट ऑल कैटेगरी ऑफ टीचर्स के लिए रखी गई है। तो मेरे ख्याल से सभी लोग जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई जो है वो आप लोगों को कैसे करना है, सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, एज आपको पता लग गई और क्वालिफिकेशन भी आपको पता लग गई, यही चीजें जो है वह है मेनली बच्चों को पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो है विजिट अवर वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है navoday.government.in NVSRO पुणे EN होम, इस पर भी जाकर आप जो है वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका जो लिंक है वो आप देख सकते हो यहाँ पर तो आपको जो है डिटेल नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ पर। उसके बाद लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वह किस तरीके से आप लोगों को भरना है तो वह आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। पोर्टल टू फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन फ्रॉम, तो कब से स्टार्ट हो रहे हैं ये, तो ये 14 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और 20 जुलाई तक रहने वाले हैं 11 बजे तक। तो जितना जल्द हो सके आप लोग इसको फिल करिए अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो इसकी जो मेन वेबसाइट है इस पर जाकर आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। थैंक यू।